रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन ग्रेड 8 एंड माय दादू पास्ड अवे, और उसके अगले दिन मेरा उर्दू का एग्जाम था फाइनल। तो मुझे तब समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है, कि दादू चली गई हैं और अब वो वापस नहीं आएंगी। उनकी डेड बॉडी एक रूम में थी और एक बेड पे थी, और उसके साथ एक और बेड था जहाँ पे माय मॉम वाज सिटिंग एंड शी वाज रिसाइटिंग कुरान। तो मैं भी उनके साथ बैठी हुई थी। आई वाज लुकिंग एट माय दादू बट आई वाज कीप्ड ऑन थिंकिंग कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊँगी, या मैंने पेपर नहीं दिया तो क्या होगा, या मैं अबू से ऐसा क्या बहाना करूँ कि वो एप्लीकेशन भेज दें, मैं पेपर ना दूँ। तो ये सोचते सोचते मैं सो गई, एंड जब मैं उठी तो वो जनाजे का टाइम हो गया था। पीपल केम एंड दे टुक दादू अवे। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप आई सॉ हर इन माय ड्रीम। सो व्हेन आई वेक अप आई टोल्ड एवरीवन कि आज मैंने दादू को ख्वाब में देखा, और दादू ये कहने थे। आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई वांटेड टू शेयर दिस टू माय दादू एज वेल कि आज मैंने आपको ख्वाब में देखा। सो आई वेंट टू हर रूम बहुत ही खुशी से, बहुत एक्साइटेड होकर आई वेंट टू हर रूम एंड शी वाज नॉट देयर, शी वाज गॉन। तो एक दो बार और हुआ कि मुझे कुछ बताना था और वो वहाँ नहीं थी, मुझे कुछ उनसे शेयर करना था एंड शी वाज नॉट देयर। तब मुझे रियलाइज हुआ कि वी टेक पीपल फॉर ग्रांटेड, वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, कि जो हमारे पास है वो हमारे पास हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं होता, जो हमारे पास आज है वो हो सकता है हमारे पास कल ना हो। इवन अगर हमारे पास कुछ पैसे हैं और हमें लगता है कि ये हमारे पैसे और ये हमारे साथ रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। हमारे पास कुछ लोग हैं, कुछ दोस्त हैं, हमें लगता है कि ये हमेशा हमारे दोस्त ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता। वी नीड टू स्टॉप टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, जो है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि मैं आज भी सोचती हूँ कि काश अगर वो होती तो मैं उनसे कुछ बातें जो शेयर करना चाहती थी वो कर लेती। अगर वो होती तो मैं उनको ये बता देती कि मुझे आपकी स्मेल कितनी अच्छी लगती है, आप जो परफ्यूम लगाती हैं मुझे कितना अच्छा लगता है, आपका लोशन मुझे कितना अच्छा लगता है, आपके हाथ मुझे कितने अच्छे लगते हैं, बता देती मैं उनको। बट मैं नहीं बता सकती क्योंकि वो नहीं है। तो जो है प्रेजेंट में, आई थिंक कि हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, कि कहीं ऐसा ना हो वो हमारे पास से चला जाए और फिर हम सोचें कि काश हम ये कर लेते या काश ये कह देते। एवरीथिंग इज टेम्पररी, हर चीज़ फानी। तो जो है उसको अभी अप्रिशिएट करो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।